हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के बारे में, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि दोनों में कंपैरिजन वीडियो बनाइए, बताइए कि दोनों में क्या टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, कौन सा एसी ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊँगा कि इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है और नॉर्मल एसी कैसे काम करता है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो खुद से समझ जाएंगे कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टर और नॉर्मल एसी में लुक्स में, उनकी बॉडी, कॉयल्स, कंडेंसर्स, उनकी गैस यानी कि जो उनके अंदर रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है, R32 नॉर्मल एसीज में भी यूज़ होता है, इन्वर्टर एसीज में भी यूज़ होता है, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं होता है। अगर एसी पे इन्वर्टर लिखा ना हो तो आप पहचान भी नहीं सकते कि ये नॉर्मल एसी है या इन्वर्टर एसी है। तो लुक्स में कोई फ़र्क नहीं है, बोथ आर सेम। जो फ़र्क है वो है टेक्नोलॉजी का और उनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी का, उसी से ही इन्वर्टर एसी अलग हो जाता है। दोस्तों, नॉर्मल एसीज की बात करें तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही चले आ रहे हैं, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, पहले R22 गैस यूज़ हुआ करती थी, अब कुछ मॉडल्स में R32 गैस का यूज़ होने लगा है। हालांकि बाकी और कोई मेजर चेंज उसमें नहीं हुआ है, वो जैसे पहले काम करते थे वो अभी भी वैसे ही काम करते हैं। लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सभी कंपनीज का फोकस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर्स को बेटर बनाने में लगा हुआ है, ताकि उनसे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस ली जा सके। क्योंकि मार्केट में अब डे बाय डे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए अब नॉर्मल एसीज की तरफ कंपनीज का ध्यान कम है एज कंपेयर टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज एसी। तो अब बात करते हैं एक एक करके कि दोनों में एक्चुअल फ़र्क है क्या। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़र्क या सबसे बड़ा पॉइंट है जो इन्वर्टर एसीज की तरफ लोग भागते हैं, वो है पावर सेविंग का। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो एसीज हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, और जो इन्वर्टर टाइप एसी होते हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो पावर सेविंग देते हैं आपको। अगर आप 4 घंटे नॉर्मल एसी चलाते हो और सेम कंडीशन में 4 घंटे इन्वर्टर एसी चलाते हो तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा। इन्वर्टर एसी कम पावर कंज्यूम करता है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएंगे। तो मेन रीज़न तो यही है कि पावर सेविंग का ही जो पॉइंट है उसके लिए ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, ताकि कम से कम पावर में ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड कराई जा सके कंज्यूमर को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है इनके कंप्रेशर्स। तो दोस्तों, नॉर्मल एसी के जो कंप्रेसर होते हैं वो फिक्स स्पीड पर काम करते हैं, यानी कि उनके जो कंप्रेसर हैं वो जब भी ऑन होते हैं तो पूरी 100% पावर लेते हैं, 100% लोड लेते हैं जितनी कैपेसिटी होती है उनकी। और जब तक वो चलते हैं, यानी कि आपने रिमोट से 25 डिग्री सेट कर दिया, अब जब तक एसी 25 डिग्री अचीव नहीं कर लेगा तब तक वो कंप्रेसर चलता रहेगा, और वो जब तक चलेगा तब तक 100% लोड पे चलेगा और वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी खींचता रहेगा, जबकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। अब इस पॉइंट पे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से पावर सेविंग होती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसीज में। दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो कंप्रेसर लगाया गया है वो डीसी कंप्रेसर होता है और वेरिएबल स्पीड्स पर चलता है। दोस्तों, वेरिएबल स्पीड्स का मतलब होता है कि स्पीड्स को कम किया जा सके या ज़्यादा किया जा सके ज़रूरत के हिसाब से। और उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल एसी में वो चलता है और बंद हो जाता है जब टेम्परेचर अचीव होता है, और उसके बाद फिर से ऑन होता है, फिर ऑफ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप एसी को ऑन करते हो और आपने मान लो 25 डिग्री सेट कर दिया एसी के ऊपर, तो कंप्रेसर अपनी पूरी ताकत लगाता है, यानी कि पूरा लोड लेता है आपको उस टेम्परेचर तक लेके जाने में। लेकिन जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है उसके बाद वो बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, लेकिन अपनी वॉटेज कम कर देता है, यानी कि अपनी स्पीड कम कर देता है। अगर उसकी मोटर कम स्पीड पे चलेगी तो वॉट भी कम लेगी,
और बिजली भी कम खाएगी। तो इसी पॉइंट की वजह से कंप्रेशर जो है इन्वर्टर एसीज के, वो कम बिजली खाते हैं, और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इन्वर्टर एसीज का, क्योंकि उनमें आपको यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। तीसरा पॉइंट यही है हमारा कि जो नॉर्मल एसीज हैं इनमें आपको अनइवन कूलिंग मिलती है, यानी कि आपका कंप्रेशर जो है वो बंद होता है, फिर चलता है, फिर बंद होता है, फिर चलता है, ऐसे में कूलिंग जो है वो डिस्टर्ब होती रहती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर इन्वर्टर एसी लगा हुआ है तो आपकी कूलिंग बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होती है। एक बार 25 डिग्री अगर सपोज आपने 25 डिग्री सेट किया है, तो 25 डिग्री पर अगर आपका एसी एक बार आ गया, तो फिर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी जो हैं, बेसिकली उनका कंप्रेसर जो है, उनका ये काम रहता है कि वो उसको 25 पे मेंटेन रखें। जबकि नॉर्मल में क्या होता है कि 25 पे आ गया, उसके बाद कंप्रेशर बंद हो गया, उसके बाद अब आपके रूम का टेम्परेचर 26 या 27 पे जाएगा, फिर वो थर्मोस्टेट आगे सिग्नल देगा कंप्रेशर को, फिर वो दोबारा से ऑन होगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 25 पे आने के बाद 25 पे ही स्टेबल रखा जाता है टेम्परेचर को, और रूम में बिल्कुल यूनिफॉर्म कूलिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर्स में। दोस्तों, कूलिंग की अगर बात करें दोनों टाइप के एसीज में, तो यहाँ पर नॉर्मल एसीज बाजी मारते हैं, क्योंकि नॉर्मल एसीज में इंस्टेंट कूलिंग ऑप्शन आपको मिलता है, जबकि इन्वर्टर टाइप के एसी, चाहे कितने भी ड्यूल इन्वर्टर हो, ट्रिपल इन्वर्टर हो, नॉर्मल टाइप के एसी से उनकी कूलिंग स्लो ही होती है इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन एक बार टेम्परेचर अगर अचीव कर लिया उसने रूम में, तो वो फिर यूनिफॉर्म कूलिंग आपको देते हैं, जबकि नॉर्मल एसीज में ऐसा नहीं होता है। इनके मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करें, तो दोस्तों जो नॉर्मल टाइप के एसी होते हैं, इनमें कुछ लिमिटेड पार्ट्स ही लगे होते हैं, यानी कि जितने ज़रूरी होते हैं उतनी चीज़ें लगी होती हैं, और वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। लोकल्स भी इसको बहुत अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं, इनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो कम है और रिजनेबल हो जाता है काम इनका। लेकिन यही बात करें इन्वर्टर टाइप के एयर कंडीशनर्स की, तो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, पीसीबीज लगे होते हैं, तो इसकी जो मेंटेन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाए जैसे पीसीबी वगैरह में, तो आपको कंपनी के पास ही जाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो बाहर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। क्योंकि नॉर्मल टाइप के एसी में एक पीसीबी होता है, वो इंडोर में सेट होता है, या विंडो टाइप एसी है तो वो उसमें भी एक पीसीबी होता है। लेकिन जो इन्वर्टर टाइप के एसी होते हैं, खासकर स्प्लिट एसी जो होते हैं, उनमें पीसीबी भी दो होते हैं, एक इंडोर में लगा होता है और जो मेन पीसीबी होता है वो आउटडोर में लगा होता है। क्योंकि इन्वर्टर एसीज में काफ़ी तरह के सेंसर्स भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से ही वो यूनिफॉर्म कूलिंग देते हैं और स्पीड को कंट्रोल करते हैं कंप्रेशर की। तो दोस्तों, मैं आपको डिफरेंस तो बता ही रहा हूँ कि दोनों टाइप के एसीज में क्या होता है, लेकिन लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा एसी लेना बेटर है और क्यों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है वारंटी को लेकर के। दोस्तों, नॉर्मल एसीज अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 2 से 5 साल की वारंटी मिलती है कंप्रेशर के ऊपर, जबकि जो इन्वर्टर टाइप के एसी हैं उनके कंप्रेशर के ऊपर 10 साल की वारंटी मिलती है। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि कंपनीज श्योर हैं अपने कंप्रेशर को लेके कि वो इतनी अच्छी तरह से काम करता है और वो ख़राब नहीं होता है, जबकि वो बिल्कुल बिना रुके चलता ही रहता है तब भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है और वो ख़राब नहीं होगा इजीली, अगर हो भी जाएगा तो कंपनी उसको रिपेयर कर देगी। हालांकि कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो इन्वर्टर एसीज पे पीसीबी की 5-5 साल की वारंटी ऑफर करती हैं, जबकि नॉर्मल एसीज में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, नॉर्मल एसीज के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट जुड़ा हुआ है कि वो अभी भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी R22 गैस का यूज़ कर रही हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर अगर हम इन्वर्टर एसीज की बात करें, तो इन्वर्टर एसीज में R22 यूज़ ही नहीं किया जाता, उसमें R32 या R410A गैस का ही यूज़ किया जाता है, और ये दोनों गैसेज एनवायरनमेंट सेफ हैं और ओजोन के लिए भी सेफ हैं। तो ऐसे में आपको उसी टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है।
नॉर्मल एसीज में आपको स्प्लिट टाइप के एसी मिल जाएंगे, विंडो टाइप के एसी मिल जाएंगे, पोर्टेबल टाइप के एसीज भी मिल जाएंगे। तो यानी कि सभी तरह के एसीज अवेलेबल हैं नॉर्मल टाइप के एसीज में, जबकि इन्वर्टर टाइप के एसी में सबसे पहले स्प्लिट एसी ही लॉन्च हुए थे और बहुत साल स्प्लिट एसी ही चले। लेकिन अब कुछ समय से कुछ कंपनियों ने विंडो एसीज को भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में लॉन्च किया है, मेजरली एलजी ने, वोल्टास ने, क्योंकि विंडो एसी भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्प्लिट एसी महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो, और कई लोगों के घर में जगह नहीं होती है स्प्लिट एसी लगाने की, क्योंकि स्प्लिट एसी का आउटडोर जो है उसके लिए या तो रूफ राइट्स चाहिए या बाहर जगह चाहिए कहीं पे, और जिनके घर में विंडोज़ हैं वो विंडो एसी ही प्रेफर करते हैं। तो इसको देखते हुए कंपनीज़ ने अब विंडो टाइप के एसीज में भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया है। जो तो दोस्तों ये तो मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए कि एक नॉर्मल टाइप के एसी में और इन्वर्टर टाइप के एसी में क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है या उनमें क्या क्या फ़र्क होता है टेक्निकल। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको नॉर्मल एसी लेना है या इन्वर्टर टाइप का एसी लेना है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। दोस्तों इन्वर्टर एसी को लेने का एक ही मतलब होता है कि हमें बिजली की कम खपत चाहिए, क्योंकि एसी के बिल से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं और नॉर्मल जो एसी हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और इन्वर्टर एसीज को प्रमोट भी पावर सेविंग के फीचर से ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों पावर सेविंग फीचर क्या सभी सिचुएशंस में आपको मिलता है, बस इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर दोस्तों आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे भी एसी को चलाते हो सिर्फ रात में, वो भी मैं कह रहा हूँ, तो आपको नॉर्मल एसी भी ठीक रहेगा अगर आप उसको 3 स्टार या 5 स्टार का ले लेते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसी चलाते हो, सपोज़ 8 घंटे चलाते हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे चलाते हो, तब आपको इन्वर्टर टाइप का एसी लेना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम एसी चलता है इन्वर्टर वाला उतनी ज़्यादा पावर सेविंग आपको वो देता है। सपोज़ 2 घंटे ही आपके घर में एसी चलता है तो आप इन्वर्टर एसी भी लगवा लोगे तो पावर सेविंग का आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे हो और 400-500 किलोमीटर का एक रूट है या टूर है, उस पर जा रहे हो। अब एक बंदा जा रहा है छोटे रूट पे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले में, तो आप अब बताइए कि लॉन्ग रूट पे जो गाड़ी चल रही है जिसमें ना ब्रेक लगेगी ना वहाँ पर ट्रैफिक है, हाईवे पे जा रही है, बड़े गियर पर चल रही है, एक्सीलेटर पर हल्का सा पैर दिया हुआ है और 60-70 की स्पीड पे चले जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो माइलेज ज़्यादा देगी। एक गाड़ी जो ट्रैफिक में फंसी हुई है, बार बार उसमें क्लच दबाना पड़ रहा है, गियर बदलने पड़ रहे हैं, ब्रेक दबाने पड़ रहे हैं, एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि छोटे गियर पर एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसमें तेल ज़्यादा फूकेगा यानी कि फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो यही होता है इन्वर्टर टाइप के एयर कंडीशनर्स में, जब आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हो तो वो आपको पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से देते हैं, जैसे हम किसी कार से लेते हैं लॉन्ग ड्राइव में। तो इन्वर्टर एसी आप तभी लें जब आपका यूज़ ज़्यादा हो, नहीं तो आपको पावर सेविंग का जो ऑप्शन है या फीचर है उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की प्राइस रेंज की बात करें तो नॉर्मल एसी सस्ते आते हैं और इन्वर्टर टाइप के एसी महंगे आते हैं। तो जब आपने एसी ज़्यादा चलाना ही नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की भी क्या ज़रूरत है, तब आप नॉर्मल टाइप का ही एसी ले लीजिए, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस वगैरह, उसकी सर्विस हो गई, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट हो गई, वो भी तो सारी चीज़ें कम है ना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि नॉर्मल और इन्वर्टर में जो कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, उसमें फ़र्क पता लगे और वो भी डिसाइड कर पाएँ कि उनको कौन सा एसी लेना चाहिए अपने लिए। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए God bless you दोस्तों।